हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत में जॉब सर्च करने के लिए आना है कैसे आएँ? कुवैत में भाई जॉब आप सर्च कर सकते हो, घर बैठे सर्च कर सकते हो, वीज़ा मंगा सकते हो, कोई भी जॉब्स की कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, जो भी हुनर हो, आप आ सकते हो, नो डाउट। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं जॉब सर्च करने खुद आना चाहता हूँ, तो इसके लिए भाई मैं आपको सजेशन ये दूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, वो भी मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ इसमें वीडियो में। तो उन्होंने लिखा है कि मुझे जॉब सर्च करने के लिए कुवैत आना है, तो नो डाउट आप कुवैत आ सकते हो। लेकिन अभी आप जिस जॉब को सर्च करने की सोच रहे हो, उसके तहत आपको विजिट वीज़ा के ज़रिए से कुवैत में आना पड़ेगा। अब कुवैत में विजिट वीज़ा अभी बैन चल रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया तीनों कंट्री पर अभी बैन लगा हुआ है, और जब बैन हटेगा तभी आपको वीज़ा मिल पाएगा, और जब आपको वीज़ा मिलेगा तब आप कुवैत देश में होंगे, अपने हिसाब से आप जॉब सर्च कर सकते हो। अब कुवैत में जॉब सर्च अगर करना है आपको भाई ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो है स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आपको अरबी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो तो अरबी सीख ही जाओगे, लेकिन कुवैत में दो लैंग्वेज चलती है, एक अरबी और दूसरी की आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको कंपलसरी है आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको दिखलाऊंगा, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अभी मैं 2-4-10 कंपनी आपको दिखलाऊंगा, 2-4-10 कंपनी के समझ लीजिए बोर्ड्स दिखलाऊंगा, ऑफिस दिखला दूंगा, वो मुश्किल नहीं ना। बशर्ते क्या है ना कि जब आप यहाँ पर आ कर के किसी से मिलोगे, इंटरव्यू दोगे, या किसी भी कंपनी में जाओगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, या किसी भी कैटेगरी में कोयती से या कफील से जो भी ऑनर होंगे उनसे मिलोगे, तो भाई आपको अरबिक और इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। अरबिक कम आती तब भी चल जाएगा, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती तब भी चल जाएगा। नो डाउट आपकी प्रॉब्लम्स और आपके हिसाब से मामला यहाँ पर कुवैत देश में हो सकता है, आप सर्च कर सकते हो, विजिट वीज़ा के ज़रिए से आके सर्च कर सकते हो। आपको सही लगेगा, कफील को सही लगेगा, वो आपको दूसरा वीज़ा देगा, आप इंडिया जाओ, वहाँ से वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा करके कुवैत देश में अपनी जॉब कर, अपनी मतलब कि एक तरीके से पसंदीदा जॉब्स जिस पे आप एक तरीके से सेटिस्फाई हो कि हाँ ये जॉब्स मेरे लिए बेस्ट है या बेहतर है, तो उसके लिए आप जो है आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन अभी कुवैत में क्या है ना कि इंडिया के लिए एक तरीके से बैन लगा, अभी टूरिस्ट वीज़ा कोई इशू नहीं हो रहा, ना ही उसकी कोई अपडेट आ रही है। जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा कि वीज़ा इशू होना शुरू हो गया है, आप अप्लाई करो चाहे एम्बेसी जाकर के। हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा कहाँ से अप्लाई करें, कोई एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं तो भैया ढकेल देता है उठा करके। अब भाई किसी के पास पैसा उतना है, किसी के पास नहीं ना, लेकिन फिर भी आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा पैसे का बजट देख करके। वैसे तो फ़िलहाल मैंने कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई कुवैत ई वीज़ा, विजिट वीज़ा कैसे आएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या कॉस्ट होती है, सबकी एक वीडियो अलग अलग करके बना रखी है, 2-2, 4-4, 5 मिनट की, तो उसको आप जाकर के देख लेंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जॉब सर्च करने के लिए भाई नो डाउट आप आ सकते हो, लेकिन आपके पास विजिट वीज़ा होना चाहिए। जैसे ही बैंक खुलेगा आप मामला जिससे कि होता है ना कि अप्लाई कर दीजिएगा, नो डाउट आइए सर्च करिए। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ 1-2-4 कंपनी, क्योंकि मैं स्पेशली इसी के लिए आया हूँ, इस कमेंट्स के आधार पर वीडियोस को लेकर के आया हूँ। ये है कुवैत सिटी, और कुवैत सिटी की ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्या है, यहाँ पर क्या कोई घर थोड़ी ना है, बहुत कमी घर है, घर वाले अलग सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन ये शीशे की बिल्डिंगें भाई साहब, ये सब ऑफिसेस हैं। अब ये ऑफिसेस में जॉब्स करना एक समझ लीजिए कि आपके लिए बेहतर स्पीकिंग होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अभी देखिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। अब देखिए भाई ये ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें दिख रही है ना, ये सब यहाँ पर ऑफिस है। अब देखिए यहाँ पर कितने ऑफिस है, इस बिल्डिंग के अंदर मैं अभी ले चलूँगा तो इस बिल्डिंग के अंदर आपको दिखलाऊंगा, यहाँ पर बहुत ऑफिस है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कौन सी वैकेंसीज निकल रही, किसको क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस बेस पर अगर आप खुद आ करके सर्च करोगे, 10 जगह मुँह मारोगे तो एक ना एक जगह अच्छा सेटिंग हो जाएगा। तो एक एक सिस्टम है, और भी है इस तरफ थोड़ी सी, और मैं इधर पार्किंग में लगाया हूँ गाड़ी और चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ कंपनीज। लेकिन ये कंपनी क्या है ना कि आप भाई जॉब्स की वैकेंसी इन्होंने निकाली है कि नहीं निकाली है, वो एक अलग। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर ऑफिसेस हैं, लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना ममनून है, प्रोहिबिटेड है, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन हो सकता है, और इस वजह से हमने उसको शूट करके आपको नहीं दिखलाया।
लेकिन फिलहाल कुवैत में आओ भाई, कुवैत में ऐसे नहीं है, ये तो एक सैंपल है, लेकिन आपको बहुत सारे ऑफिसर्स मिलेंगे, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो आप ट्राई कर सकते हो और नो डाउट आपका कहीं ना कहीं सेट हो सकता है। वैसे फिलहाल ट्राई करते रहो इंडिया से बैठे बैठे, कोई ज़रूरी नहीं है कि बैन हटे तभी आप आओ। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी आपके कमेंट के जरिए से, मुझे लगा कि ये कमेंट के आधार पर लोगों को जानकारी मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बेहतर समझा। अगर आपको लगता है कि आपके कमेंट्स में दम है या कोई ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा और या तो उससे रिलेटेड आपको छोटा सा कमेंट का आंसर दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपडेट है, आप जाकर के वॉच करिए, सब्सक्राइब नाउ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।